Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, हमने Proton NMR start किया हुआ है जिसमें हमने last lecture में कुछ factor देखे थे जो chemical shift को affect करते हैं, जिनमें एक था electronegativity, number two पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, नंबर थ्री पे था डिस्टेंस ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और नंबर फोर पे था हाइब्रिडाइजेशन यानी एस करेक्टर. अब है नेक्स्ट फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट में जो बाकी फैक्टर्स हैं उनमें पहला है एंगल स्ट्रेन. एंगल स्ट्रेन, डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट ज्योमेट्री का जो एंगल होता है, अगर एंगल उससे वेरी कर रहा है तो वो एंगल स्ट्रेन होगा. जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109.5 डिग्री आता है, अगर ये 101 डिग्री आ जाए तो ये एंगल स्ट्रेन है. इसी तरह अगर हमारे पास ये ट्राइगोनल प्लेनर हो तो एंगल 120 डिग्री होगा, और अगर ये 110 आ जाए, 100 आ जाए तो ये एंगल स्ट्रेन है. जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अराउंड द प्रोटॉन. इसका मतलब है एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो प्रोटॉन ये ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के ज्यादा करीब आएंगे. जब ज्यादा करीब आ जाएंगे तो वो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं खींच पाएंगे, और जब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये जो है इसकी प्रोटेक्शन ज्यादा होगी, शील्डिंग ज्यादा होगी, और ये वाले प्रोटॉन जो है वो टीएमएस की तरफ चले जाएंगे. जब बॉन्ड करीब आ जाते हैं, ग्रुप करीब आएंगे, ग्रुप करीब आने से प्रोटॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी, यानी बॉन्ड की लेंथ भी कम है, ग्रुप भी करीब है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, प्रोटॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो शील्डिंग ज्यादा होगी, और अगर शील्डिंग ज्यादा होगी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अलाइनमेंट थोड़ी होगी, और अगर अलाइनमेंट उसकी प्रॉपर नहीं हो सकी, थोड़ी अलाइनमेंट है, क्यों थोड़ी सी अलाइनमेंट है, क्योंकि वो प्रोटॉन बड़ा प्रोटेक्टेड किस्म का प्रोटॉन है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, उसके इर्द गिर्द ग्रुप ज्यादा हैं, उसके इर्द गिर्द ग्रुप ज्यादा हैं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका लोकल डाया मैग्नेटिक करंट ज्यादा होगा, और लोकल डाया मैग्नेटिक करंट ज्यादा होने से वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज भी ज्यादा करेगा, और अगर अपोज ज्यादा करेगा तो उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आएगी, और अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आएगी तो ऐसा प्रोटॉन शील्डेड होगा, और फिर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो उसको रेजोनेट करवाना आसान होगा. उसके लिए हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स लोअर एनर्जी चाहिए होंगी, लोअर एनर्जी या लोअर फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स चाहिए, और ऐसा प्रोटॉन अप फील्ड आएगा यानी टीएमएस के करीब आएगा, क्योंकि टीएमएस के प्रोटॉन सबसे ज्यादा शील्डेड होते हैं. एग्जांपल देखें, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है. अब साइक्लोप्रोपेन में ये बॉन्ड एक दूसरे के बहुत करीब है तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, ये देखें ये चार ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन इसमें एंगल 109.5 डिग्री नहीं है, एंगल बहुत थोड़ा है. एंगल थोड़ा होने से मुराद है कि ये जो प्रोटॉन है एक दूसरे के करीब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो शील्डिंग ज्यादा है, शील्डिंग ज्यादा है तो ये टीएमएस के करीब आएंगे. फिर देखें ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटॉन. ये वाला प्रोटॉन प्राइमरी है, क्यों, प्राइमरी कार्बन से लगा है. ये वाला प्रोटॉन सेकेंडरी है, क्यों, सेकेंडरी कार्बन से लगा है. और ये वाला टर्शरी है, क्यों, टर्शरी कार्बन से लगा है. अब जो टर्शरी कार्बन से प्रोटॉन लगा होता है वो डी शील्डेड ज्यादा होता है, वो टीएमएस से ज्यादा दूर होता है. वजह क्या है, अगर सारे हाइड्रोजन लगे हुए हूं और सारे कार्बन लगे हूं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है जबकि कार्बन की 2.5 है,
तो रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर कार्बन ग्रुप ज्यादा लगे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह से ये प्रोटॉन थोड़ा सा अवे चले जाते हैं। यहाँ पर देखें ये जो टर्सरी वाला प्रोटॉन है ये तकरीबन 2 के करीब आ रहा है, और जो प्राइमरी वाला है ये 1 से कम 0.9 के करीब आ रहा है। तो इसका मतलब है कार्बन ज्यादा होने से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली बढ़ जाने से डी शील्डिंग बढ़ती है। नेक्स्ट फैक्टर है मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी। पहले हमने डायमैग्नेटिक वाले पढ़े थे, अब मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी है। और मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी देखें डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा कि एक तो पाई बांड ये विसिनिटी में होने चाहिए प्रोटॉन के, और दूसरा इसके लिए एरोमेटिक सिस्टम या हो या फिर अल्कीन्स हो या फिर अल्काइन्स, हत्ता के एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड भी आ जाते हैं इसमें, क्योंकि एल्डिहाइड वाला कार्बन भी डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ होता है कार्बोनिल। अब मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी तब होगी जब पाई बांड की विसिनिटी में प्रोटॉन आ जाएगा। पाई बांड की विसिनिटी में प्रोटॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं, रिंग पे लगे होते हैं प्रोटॉन। अल्कीन्स में अगर कार्बन कार्बन डबल बांड के साथ कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, अल्काइन्स में एल्डिहाइड में भी जो कार्बोनिल वाला प्रोटॉन होता है, कार्बोनिल का वाला कार्बन होता है उसके साथ प्रोटॉन लगा होता है। तो मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी के लिए अहम बात है पाई बॉन्ड की विसिनिटी में प्रोटॉन होना चाहिए, बस ये बात याद रखनी है। अब पाई बॉन्ड की जब विसिनिटी में प्रोटॉन आएगा तो एक नया करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे हमने पहले देखा कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द जो है प्रोटॉन के जो इर्द गिर्द मौजूद हैं वो एक लोकल डायमैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो प्रोटॉन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यहां पर मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी में एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही जो हमने अप्लाई करना है, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो स्टडी कर रखा है कि जितने इर्द गिर्द प्रोटॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी लोकल डायमैग्नेटिक करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा अपोज करेगा। ज्यादा अपोज करने से मुराद है वो प्रोटॉन जो है वो ज्यादा शील्डेड होगा, और शील्डेड होगा तो वो कहाँ चले जाएगा, वो क्लोज टू TMS चले जाएगा। जितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द ज्यादा है उतना ही लोकल डायमैग्नेटिक करंट ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, अपोज ज्यादा करेगा, अपोज ज्यादा करेगा, प्रॉपर अलाइन नहीं करेगा तो उसकी जो शिफ्टिंग है उसकी जो स्पिन फ्लिप है वो इजी होगी, और वो लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन चाहिए होंगी, TMS के करीब चले जाएगा, हम कहेंगे आप फील्ड है। अब यहाँ उन इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट तो है ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला इफेक्ट तो है ही, लेकिन एक नया इफेक्ट तो आ गया पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, कि एक नया करंट प्रोड्यूस हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यानी सिंपल ऐसे समझ लें, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मॉलिक्यूल का जो प्रोटॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा है। पहले थोड़ा था सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले थे, अब तो पाई इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं, उनकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब है इसमें करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी डायमैग्नेटिक शील्डिंग तो होनी है, यहां मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी भी होगी, और रिजल्ट क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो फिर वो अपोज भी ज्यादा करेगा, और अगर अपोज ज्यादा करेगा तो उसकी स्पिन प्रॉपर लाइन नहीं करेगी, प्रॉपर लाइन नहीं करेगी तो स्पिन फ्लिप करवाना उसका आसान हो जाएगा। अब मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी में अगर हम डिफरेंट सिस्टम्स देखें प्रॉपर अरेंजमेंट विद मैग्नेटिक फील्ड, अगर तो उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट होगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो रिजल्ट क्या निकलेगा, उसको रेजोनेट करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर रेजोनेट करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, और ग्रेटर फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी तो वो डाउन फील्ड चले जाएगा अवे फ्रॉम TMS मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी।
अब दो तरह से, अगर तो मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी की वजह से प्रॉपर अरेंजमेंट हो गई तो प्रॉपर अरेंजमेंट होने से रेजोनेट करवाना मुश्किल, ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन अवे फ्रॉम टीएमएस डाउनफील्ड। लेकिन अगर मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी की वजह से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हुई है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हुई है तो उसको रेजोनेट करवाना आसान है। अगर हम कुछ सिस्टम्स देख लें, देखें ये हमारे पास बेंजीन है। अगर आप बेंजीन वाला सिस्टम देखें तो ये जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है। अब ये जो है ये इलेक्ट्रिक करंट सारे प्रोटॉन जो हैं इसकी रेंज से बाहर है। इसका मतलब है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा इन प्रोटॉन्स पर। मींस ये जो प्रोटॉन्स हैं ये तो इसकी रेंज से ही बाहर है, ये इसकी रेंज में नहीं आते। मींस ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इसको शील्ड नहीं करते हैं। अगर ये इसको शील्ड नहीं करते, इसकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, तो बेंजीन के प्रोटॉन जो है वो डी शील्डेड हो जाएंगे। इसमें देखिए डायमैग्नेटिक शील्डिंग तो हो ही रही है, लेकिन यहां जो पाई बांड की वजह से है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये प्रोटॉन सारे उसकी रेंज से बाहर हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा, ये हाईली डी शील्डेड हो जाएंगे, और हाईली डी शील्डेड होंगे तो ये किस रेंज में चले जाएंगे, ये 7-8 की रेंज में चले जाएंगे। इसी तरह देखें ये इथीन या कोई भी डबल बांड है, डबल वाला सिस्टम है, उसमें भी देखें ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये इनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके भी सारे प्रोटॉन इसकी रेंज से बाहर हैं। इसका मतलब है ये इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर ये इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा तो फिर ये सारे प्रोटॉन डी शील्डेड होंगे। और फिर अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड में भी देखें, एल्डिहाइड में एक तो कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, वैसे ही उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर एल्डिहाइड में यहाँ एच आएगा और कीटोन में यहाँ आर आएगा, तो यहां पर भी देखें ये प्रोटॉन जो है वो इसकी रेंज में नहीं आ रहे। लेकिन एसीटाइलीन में मुश्किल है, एसीटाइलीन या अल्काइन्स में ये जो प्रोटॉन होते हैं ये इस कोन में फिट आ जाते हैं। ट्रिपल बांड में ये जो प्रोटॉन है ये इस कोन की रेंज में आ जाते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये उसकी रेंज में आ जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा, ये इसको शील्ड कर लेगा, यानी इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर ये इसको प्रोटेक्ट कर लेगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज भी करेगा एक्सटर्नल को। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब इसका मैग्नेटिक फील्ड अपोज करता है तो इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं आती, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं आती जिसकी वजह से ये शील्डेड एरिया में चले जाता है। प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं आएगी तो स्पिन करवाना आसान होगा स्पिन फ्लिप करवाना, तो वो किस रेंज में चले जाएगा, क्लोज टू टीएमएस। हालांकि अगर आप देखें तो एस करैक्टर ज्यादा है इसमें, एस करैक्टर इसमें ज्यादा है, 50% है, ये एसपी है और ये वाला एसपी2 सिस्टम है, ये भी एसपी2 सिस्टम है, ये भी एसपी2 है, ये एसपी है। एस करैक्टर तो ज्यादा है लेकिन इसका जो ये पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये प्रोटॉन्स उस रेंज में आ जाते हैं, उस कोन के अंदर आ जाते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करके रखता है। अगर हम डिफरेंट वैल्यूज देखें तो देखें ट्रिपल बांड की वैल्यू, अगरचे डबल बांड से इस तरफ डी शील्डेड होना चाहिए था क्योंकि इसमें एस करैक्टर ज्यादा है, एस करैक्टर ज्यादा होने की वजह से ये डी शील्डेड होना चाहिए था, लेकिन ये डी शील्डेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी की वजह से, क्योंकि इसके जो प्रोटॉन है वो जो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी रेंज में आ गए। डबल बांड वाले यहां आ रहे हैं क्योंकि ये जो प्रोटॉन है
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये उसकी रेंज से बाहर है, ये यानी ये इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है ये वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है। और एरोमेटिक सिस्टम और आगे चले गया, देखिए एल्डिहाइड और आगे चले गए। एल्डिहाइड क्यों आगे चले गए हैं? एक तो उसका प्रोटॉन जो है वो मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी वाले इफेक्ट से बाहर है, और यानी वो मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी वाला जो करंट है वो उसको शील्ड नहीं कर रहा, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। और दूसरा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप के साथ अटैच है, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच है और फिर साथ कार्बोनिल भी है, तो यहाँ पर ये और ज्यादा डाउनफील्ड चले जाएगा। ये है डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे वाटर में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, वो लोन पेयर जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो अब वो लोन पेयर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डिस्पर्स हो गया है। अब वो लोन पेयर ऑक्सीजन पे नहीं रहा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो गई है, यानी जो वाटर के ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट प्रोटॉन अटैच हैं, अब उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इफेक्ट थोड़ा हो जाएगा, उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने तो एक और प्रोटॉन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो लेस शील्डेड मीन्स मोर डी शील्डेड, और ग्रेटर अलाइनमेंट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डिफिकल्ट टू रेजोनेट, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द, देखें लेस ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, और लास्ट में ये डाउनफील्ड चले जाएगा अवे फ्रॉम टीएमएस। यानी जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतनी डी शील्डिंग ज्यादा होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइनमेंट ज्यादा हो जाएगी, रिजल्ट क्या निकलेगा? रेजोनेट करना मुश्किल, फ्रीक्वेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी। लास्ट में है, अगर आप एक दफा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला वो दोबारा देख लें फैक्टर, यहाँ पर देखिएगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले प्रोटॉन जो हमारे होते हैं ये OH है, NH है, तो ये यहाँ पर जाकर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके इर्द गिर्द कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इनको अलाइनमेंट इनकी प्रॉपर हो जाएगी, अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाएगी तो रेजोनेट करवाना मुश्किल हो जाएगा और ये TMS से दूर चले जाएंगे। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट में देखें कंसंट्रेशन का इफेक्ट, ये स्टूडेंट्स अगर तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो तभी कम होगी जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना नहीं रहे। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे कब? डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो शील्डिंग ज्यादा, शील्डिंग ज्यादा होगी तो लेस अलाइनमेंट और इजी टू रेजोनेट, यानी वो आप फील्ड होंगे क्लोज टू TMS। लेकिन अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो फिर डी शील्डेड हो जाएगा। डी शील्डेड का मतलब है प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगी, प्रॉपर अलाइनमेंट का मतलब है रेजोनेट करवाना मुश्किल हो जाएगा और वो डाउनफील्ड चले जाएगा अवे फ्रॉम TMS। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे थे सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स देखे, इसके अलावा हमने डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखा, हाइब्रिडाइजेशन थी, एंगल स्ट्रेन था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होने वाले हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट वैल्यूज देखी, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सबसे इंपॉर्टेंट हमने एनिसोट्रोपी का इफेक्ट पढ़ा जो हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा वेरी कर रहा था हाइब्रिडाइजेशन से। थैंक यू वेरी मच।